तो एक दिन भाई मरदाना जी ने गुरु जी नूं बेनती कीती, तुसी मैनू जंगलां विच पहाड़ियां दियां टीसियां उपर अते उन्हां थावां उपर जिथे कोई नहीं वसदा लई फिरदे हो। इस्लाम धर्म विच मक्के दे हज दी बहुत सिफत कीती गई है, तुसी मैनू मक्के दा हज करवा देवो। गुरु जी ने भाई मरदाना जी दी बेनती मन के उसनू नाल लैके मक्के वाल चल पए। रस्ते विच उन्हां नू कुछ होर काजी मिल गए जेड़े इधर उधर दियां गल्लां करन लग पए। गुरु जी ने कहा, भाई मरदाने आ, जदों हज लई जाइए तां उस खुदा दी सिफत दी गलबात होनी चाहीदी है, होर फालतू गल्लां करदे जाना हाजियां लई शोभा नहीं दिंदा। इस तरह दा हज करन वाले नू कुछ प्राप्त नहीं हुंदा। गुरु जी अते भाई मरदाना ने उन्हां हाजियां दा साथ छड्ड दित्ता ते परमात्मा दी सिफत सलाह करदे मक्के दे नेड़े पुजे, जिथे उन्हां हाजियां वाला बाणा पहन लिया ते गुरु जी ने बगल विच अपनी बाणी दी किताब रख लई। इस तरह दे पहरावे विच ओह मक्के दी मसीत अंदर चले गए। सारा दिन खुदा दे गुण गाउंदिआं गुजार दित्ता ते रात नूं आराम करन गए। सवेरे सवेरे भारत तो गया एक हाजी मुला जिस दा नाम इतिहास विच जीवन आया है। ओह सुते पए हाजियां विचों दी लंघ रहा सी, उस दी निगाह गुरु जी दे पैरां उपर पई जिहड़े काबे वाल सन। उस नूं इह देख के बहुत गुस्सा आया। उस ने गुरु जी दी पिठ विच लत मार के कहा, ओए काफर, तेनूं नज़र नहीं आउंदा कि तू खुदा दे घर वल पैर कीते होए हन। गुरु जी ने अगों बड़ी हलीमी नाल उत्तर दिता, मुला जी, मेरे पासों भुल हो गई है, मैनूं नहीं सी पता कि इस पासे खुदा दा वी घर है। तुसी मेरे पैर उस पासे कर देवो जिस पासे खुदा नहीं रहिंदा। मुला जीवन दा गुस्सा इह सुन के होर भी वध गया। उसने बड़ी बेदर्दी नाल गुरु जी दियां लत्तां फड़ियां ते घसीट के दूजे पासे कर दित्तियां। गुरु जी ने कहा, मुला जी, कि इस पासे खुदा दा घर नहीं? मुला जीवन ने जदों उस पासे तकिया तां उस नूं मक्का उस पासे भी नज़र आया। जदों मुला जीवन गुस्से विच जिस पासे गुरु जी दियां लत्तां नूं करे उस पासे उस नूं मक्का नज़र आवे। उसने यह देख के रौला पा दिता। सारे हाजी जाग पए ते यह कौतक देख के हैरान होण लगे। सारे हाजियां विच्चों एक रुकमदीन नाम दे काजी ने पुछया, तुहाडी किताब विच की है? तां गुरु जी ने उत्तर दिता, उस खुदा दी उस्तत ते मनुखता दा सिद्धांत है। रुकमदीन ने कहा, दसो वड्डा कौन है, हिंदू की मुसलमान? गुरु जी ने उत्तर दिता, खुदा दे दर उपर नेक कर्म प्रवान हन। उस दे दरबार विच नेक कर्मा बिना कोई हिंदू लई थां नहीं है ते ना ही मुसलमान लई। इह उत्तर सुन के हाजियां ने गुरु जी नूं होर बहुत सवाल कीते। गुरु जी ने उन्हां सारिआं दे मनां दे शंके दूर कीते। जदों गुरु जी मदीने वल जाण लई तैयार होए तां काजी रुकमदीन ने गुरु जी नूं बेनती कीती कि ओह मक्के विखे अपने आउण दी याद विच कोई निशानी छड्ड जाण। गुरु जी ने बेनती प्रवान करके अपने खड़ाव रुकमदीन नूं दे दित्ते। उन्हां ने सत्कार सहित इन्हां खड़ावां नूं सुशोभित कीता जिस दा वेरवा सानूं भाई गुरदास जी दियां वारां तों मिलदा है। तरी निशानी कौस दी मक्के अंदर पूज कराई। अज तक जदों मुसलमान वीर मक्के जाते हैं तो इन्हां खड़ावां दे दर्शन भी करते हैं तो अपनी यात्रा सफल समझते हैं। इस साखी तो सानू यही सिक्ख्या मिलती है कि गुरु नानक देव जी ने काजिया मौलविया की कट्टरता तोड़िया सी कि रब मक्के वेच भी है तो सब पासे भी है। हर धर्म का सत्कार करिए। वाहेगुरू जी का खालसा, वाहेगुरू जी की फतेह।